भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के द्वारा प्रेस वार्ता के आयोजन किए गए। ए बेरा उमन हा कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधे है, जेमा उमन हा कही नहीं कि कांग्रेस लगातार दो बार हारे के बाद पाछू तीसरा चुनाव में 99 सीट लेके आए है। 99 सीट मिले के बाद कांग्रेस नाचत है, कांग्रेस नेता भ्रम फैलावत है, भाजपा 400 ले पार कर जाही तो बीजेपी संविधान ला समाप्त कर दिए जाही, कांग्रेस भ्रम फैलाए के काम किए है। लगातार दो चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी वो कुछ लाभ अर्जित करें। परिणाम आने के बाद आज तो खैर काफ़ी समय हो गया, मई जून की बात है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं, मैं फिर से इसको दोहराना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा भी उनको मिला, इसका फ़ायदा उनको मिला कि वो जो सोचे नहीं थे उन्हें 99 तक पहुँच गए। ये अलग बात है कि 240 पर हम काफ़ी परेशान थे कि आखिर हमारी 300 सीटें क्यों नहीं आई, 400 की बात हमने किया था, लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार और 300 सीटें हमने प्राप्त क्यों नहीं किया, आज भी हम इस बारे में विचार करते हैं कि आगे हमको कैसे मेहनत करना है। लेकिन 99 सीट प्राप्त करके कांग्रेस ऐसा देश के अंदर में नाच रही है मानो सरकार में आ गई।